स्टॉक किया सोयाबीन बेचने को मजबूर स्टॉकिस्ट। दरअसल इस सीजन में सोयाबीन को शुरू से ही किसानों को अपेक्षित दाम नहीं मिले हैं। कम से कम फरवरी मार्च में कई किसानों और खेड़ा खरीदने वाले छोटे व्यापारियों ने कीमतें बढ़ाने के उद्देश्य से सोयाबीन का स्टॉक किया था। चूंकि सोयाबीन की कीमत में बढ़ोतरी की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही, इसीलिए अब तक भंडारित किया गया काफी सोयाबीन बिक्री के लिए आ चुका है, जिसके चलते बाजार समितियों में सोयाबीन आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अकोला में गुरुवार को 4000 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन बिकी और उसकी औसत कीमत 4300 रुपए से कम रही। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DOC सोयाबीन की कम मांग का सबसे ज्यादा असर कीमतों पर पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार ने खाद्य तेल के आयात को खुला कर दिया है। परिणाम स्वरूप हालांकि सरकार तेल की कीमतों को कंट्रोल रखने में सफल हो रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि सोयाबीन उत्पादकों का घाटा इससे बढ़ रहा है। अकोला विदर्भ में सोयाबीन की कीमतों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में पहचाना जाता है और इस जगह पर सोयाबीन की कीमतें 4000 से 4400 के बीच है। फिलहाल सोयाबीन का न्यूनतम भाव 4000 रुपये और गुरुवार को अधिकतम भाव 4270 रुपये रहा। इस वर्ष अनियमित बारिश और मौसम की स्थिति के कारण फिलहाल सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है। कई लोगों से पहले ही उत्पादन में गिरावट से लागत की भरपाई होती नहीं दिख रही है। सोयाबीन किसानों को पहले ही उत्पादन में गिरावट से लागत की भरपाई होती दिखाई नहीं दे रही। कुछ क्षेत्रों में उपज 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है। प्रति एकड़ सोयाबीन की लागत कम से कम 15000 से अधिक आती है, यानी अगर मौजूदा भाव पर सोयाबीन बिका तो प्रति एकड़ 2-3 क्विंटल उत्पादकता पाने वाले किसानों के लिए खेती की लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।